तो है पॉकेफैंस एंड वेलकम बैक। और आज हम लोग बात करेंगे पांच ऐसे पोकेमोन्स के बारे में जिन्हें ड्रैगन टाइप भी होना चाहिए था। तो ये वीडियो होगी पूरी तरीके से फैन मेड, तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो में बस जेन 1 के पोकेमोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। तो पॉकेफैंस नंबर 5 पर आता है कबटॉप्स, जो कि एक वाटर और रॉक टाइप पोकेमोन है। और ये देखने से तो वाटर टाइप नहीं लगता, जो कि एक फॉसिल पोकेमोन है। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो फॉसिल पोकेमोन होते हैं वो ज़्यादातर ड्रैगन टाइप के होते हैं, लेकिन ये वाटर और रॉक टाइप का है, जो कि यार ये देखने से वाटर टाइप तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और वाटर टाइप की जगह अगर यहाँ पर ड्रैगन टाइप होती तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता, जो कि यार ये काफ़ी अच्छा कॉम्बो भी होता। साथ ही ये देखने से भी एक वाटर टाइप पोकेमोन नहीं लगता। और तीसरे नंबर कि ये पोकेमोन एक फॉसिल पोकेमोन है, और ज़्यादातर जो फॉसिल पोकेमोन होते हैं वो ड्रैगन टाइप के होते हैं। तो इस तरीके से अगर ये पोकेमोन ड्रैगन और रॉक टाइप होता तो ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा होता, और ये देखने से भी बिल्कुल परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन लगता इनकी टाइप्स का। तो इसीलिए मुझे लगा कि कबटॉप्स को एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन भी होना चाहिए था अपने रॉक टाइप के साथ, तो इसी वजह से रखा है मैंने कबटॉप्स को नंबर 5 पर। तो अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो पॉकेफैंस नंबर 4 पर आता है आर्कनाइन, जो कि एक फायर टाइप पोकेमोन है और ये इवॉल्व होता है ग्रोलेथ से। और जो आर्कनाइन है इसके भी स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि यार इसे लेजेंडरी पोकेमोन भी माना जाता है। बस वैसे ओरिजिनल वाला नहीं, बस कहते हैं इसे एक लेजेंडरी पोकेमोन, जो कि यार जो आर्कनाइन है ये मुझे देखने से काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। और मैं इसे ड्रैगन टाइप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम अगर देखोगे इसके अटैक्स में जाकर, इसके मूव्स में जाकर, तो तुम्हें देखेंगे कुछ ड्रैगन टाइप मूव्स भी, जो कि यार ये पोकेमोन कुछ ड्रैगन टाइप मूव्स भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि ड्रैगन रेज। तो इस तरीके से वैसे ही पोकेमोन देखने से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है, जो कि यार अगर तुम इन्हें मतलब इसे ध्यान से देखोगे तो ये लेजेंडरी डॉग्स से काफ़ी सिमिलर है। तो अगर तुम लेजेंडरी डॉग्स को उनकी टाइप्स के साथ अगर तुम ड्रैगन टाइप भी दे दो तो कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगने का, मतलब नॉर्मल लगेगा, ये हो सकता था। और अगर आर्कनाइन के साथ भी अगर ऐसा ही करते तो ये कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा अच्छा होता फायर और ड्रैगन टाइप का। तो अगर आर्कनाइन के पास एक ड्रैगन टाइप भी होती तो शायद वो एक रियल का लेजेंडरी पोकेमोन भी हो सकता था। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इसी वजह से मैंने रखा है अपने आर्कनाइन को नंबर 4 पर। तो अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो पॉकेफैंस नंबर 3 पर आता है एरोडैक्टाइल, और अगर इसका नेम मैं गलत ले रहा हूँ ना तो कमेंट्स में जरूर बता देना। और जो ये पोकेमोन है ना, इसके भी स्टेट्स काफ़ी सही हैं, और इसकी टाइपिंग है रॉक और फ्लाई, जो कि यार बिल्कुल भी मैच नहीं करी। मतलब यार ये ड्रैगन जैसा दिखता भी है, फिर भी इसे ड्रैगन टाइप नहीं रखा, क्योंकि इसके पास एक मेगा एवोल्यूशन भी है और उसने भी इसे ड्रैगन टाइप नहीं रखा। तो यार पता नहीं पोकेमोन की कंपनी वालों के दिमाग में क्या होगा कि इसे फ्लाई और रॉक टाइप रख दिया, जो कि यार इसकी अगर फ्लाई टाइप हट जाती और ड्रैगन आ जाती तो ये देखने से कितना कूल और कितना पावरफुल लगता। और शायद ये एक सुपर लेजेंडरी पोकेमोन भी हो सकता था कैंटो रीजन का, और मेरे फेवरेट पोकेमोनों में भी आ सकता था अगर ये ड्रैगन और रॉक टाइप पोकेमोन हो जाता, तो साथ ही ये फ्लैट टाइप मूव्स भी यूज कर सकता था। तो इसलिए यार ये पोकेमोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता था अगर ये ड्रैगन टाइप मिल जाती, तो इसलिए यार मैंने रखा इसे नंबर 3 पर। तो आपको क्या लगता है इस पोकेमोन के बारे में कमेंट्स में जरूर बता देना। तो अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो पॉकेफैंस नंबर 2 पर आता है गैराडोस, जो कि एक फ्लाई और वाटर टाइप पोकेमोन है, और इसके भी स्टेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और हाँ, आपने सुना कि ये फ्लाई और वाटर टाइप पोकेमोन है, जो कि ये फ्लाई टाइप तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता। और आपको क्या लगता है इस बारे में ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में। और जो इसके फ्लाई टाइप है, अगर इसे कैंसिल कर दिया जाए और इसकी जगह फिक्स कर दी जाए हमारी ड्रैगन टाइप, तो ये कितना ज़्यादा औसम पोकेमोन हो जाएगा, और ड्रैगन और वाटर टाइप का कॉम्बिनेशन भी यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो गैराडोस है ये काफ़ी सारे ड्रैगन टाइप मूव्स भी सीख जाता है, और उसके पास एक मेगा एवोल्यूशन है, जो कि यार जो पोकेमोन की कंपनी वाले हैं उन्होंने अगर शुरू में कोई मतलब कमी करी गैराडोस को लेकर तो वो उसकी मेगा एवोल्यूशन में सुधार भी सकते थे। लेकिन जो इसकी मेगा एवोल्यूशन है उसकी जो टाइप है ना वो है डार्क और वाटर टाइप, जो कि यार ये भी बिल्कुल मैच नहीं करी, जो कि अगर ये मेगा एवोल्यूशन में ड्रैगन और वाटर टाइप हो जाता तो यार हम फिर भी मान लेते कि यार इन्होंने कम से कम ड्रैगन टाइप तो करा, क्योंकि यार ये देखने से एक ड्रैगन जैसा ही लगता है। और आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बता देना। तो अब हम चलते हैं नंबर 1 की तरफ। You're the last one. Complete the mission. तो पॉकेफैंस नंबर 1 पर आता है हम सभी का फेवरेट पोकेमोन चार्जार्ड, जो कि यार ये तो पक्का ही एक ड्रैगन ही है, जो कि यार ये तो आग भी उगलता है, लेकिन फिर भी यार ये एक ड्रैगन टाइप नहीं है, जो कि अगर इसका लास्ट का एवोल्यूशन ड्रैगन और फायर टाइप हो जाता तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता, जो कि यार हम सभी लोग चाहते भी हैं। लेकिन अब की बार जो हमारी पोकेमोन की कंपनी वाले हैं ना, उन्होंने अपने आप में सुधार लाया और
जो अपना चार्जार्ड है इसकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए और लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं चार्जार्ड को, इस चीज़ पर ध्यान रखते हुए उन्होंने जो चार्जार्ड है इसे ड्रैगन टाइप दी इसके मेगा एवोल्यूशन में, जो कि है मेगा चार्जार्ड एक्स। लेकिन वाई में फिर भी मेगा मतलब वो ड्रैगन टाइप नहीं दी, लेकिन चलो यार फिर भी हमारा जब भी तो फेवरेट पोकेमोन है मेगा चार्जार्ड एक्स, और शायद अगर ये नॉर्मली चार्जार्ड में भी एक ड्रैगन टाइप दे देते तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता, क्योंकि यार ये देखने से तो पक्का ही एक ड्रैगन ही है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। जो कि यार अगर चार्जार्ड के पास एक ड्रैगन टाइप होती तो शायद ये काफ़ी सारे और पोकेमोनों को भी हरा सकता था, जैसे कि वो ब्लेजिकन से उस बार हार गया था, लेकिन ड्रैगन टाइप होने पर वो बिल्कुल भी नहीं हारता ब्लेजिकन से। तो यार मैंने इसी वजह से अपने चार्जार्ड को रखा है नंबर वन पर, और आपको इस बारे में क्या लगता है कि चार्जार्ड को किस नंबर पर होना चाहिए था, या यार ये तो बस मेरा ओपिनियन था, और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से पोकेमोन हो सकते हैं जिन्हें ड्रैगन टाइप मिलने चाहिए थी। तो ये वीडियो तो यार मेरी जेन 1 की थी, और जेन 2 और जेन 3 के भी आने वाली हैं, और हम ऐसे ही काफ़ी सारी और टाइप्स के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे जैसे कि ड्रैगन टाइप के ऊपर है। तो हाँ यार आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बता देना। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।